दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। यहाँ पे आप इस चैनल को देख सकते हो जिसने मात्र 547 वीडियो में ही लगभग 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हो ये चैनल वेरीफाइड भी है, इसका मतलब है कि ये चैनल मोनेटाइज है। और साथ में आप इसके चैनल पे पिछले 30 दिन में व्यूज देख सकते हो जो कि 106 मिलियन व्यूज आए हैं। और इसी के साथ ये एक महीने में लगभग 1 से 1.5 लाख की अर्निंग भी कर रहा है। दोस्तों मुझे मालूम है कि आप लोग इससे पहले भी इस टॉपिक पे काफी सारी वीडियोस देख चुके हो, लेकिन अभी तक आपको किसी ने भी सही तरीका नहीं बताया है। इसी वजह से अभी तक आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बंदा आपको खुद बताएगा कि ये अपने चैनल को ग्रो करने के लिए क्या करता है और कैसे करता है। दोस्तों अगर आप भी इसी तरह अपने चैनल को जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना किसी शोर शराबे की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे ये अकेला चैनल नहीं है, इस तरह के सैकड़ों चैनल हैं जो सिर्फ अपने चैनल पे चाइनीज वीडियो को अपलोड करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सबसे पहले आप इस चैनल के इस बंदे को ध्यान से देख लो, क्योंकि यही आपको बताएगा कि ये अपने चैनल को ग्रो करने के लिए क्या करता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बंदे ने 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स कितने दिन में कंप्लीट किए हैं। तो भैया मैंने ये सिर्फ 5 महीने में अपना कंप्लीट कर लिया है। अब ये जान लेते हैं कि इस कंटेंट में वीडियो कितने दिन में वायरल होती है। तो मेरी भैया पहली वीडियो की वायरल की बात करें तो मेरी 6 दिन के अंदर ही पहली वीडियो वायरल हो गई थी। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि इन चाइनीज वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या नहीं आता है। नहीं भैया जहाँ तक है तो अभी तक तो नहीं मिला है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि ये बंदा अपने चैनल के लिए वीडियोस कहाँ से लाता है। अभी के टाइम पे मैं एक चाइनीज ऐप है क्वाइसू करके, उस ऐप से वीडियो को उठा देता हूँ और अपनी वॉइस ओवर करके शॉर्ट्स पर अपलोड कर देता हूँ। और साथ में अब ये भी जान लेते हैं कि इन वीडियोस को डाउनलोड करके सीधे यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए या इसमें डाउनलोड करने के बाद में कुछ एडिट करना चाहिए। सबसे पहले मैं उस ऐप से वीडियो डाउनलोड करके उसको फुल्ली तरीके से वॉच करता हूँ कि आखिर उस वीडियो में हो क्या रहा है, फिर उसकी स्क्रिप्ट करता हूँ, फिर स्क्रिप्ट करने के बाद मैं उसकी वॉइस ओवर करता हूँ, फिर वॉइस ओवर को लेक्सिस ऑडियो एडिटर से एडिट करके और काइन मास्टर में ले जाकर वीडियो और ऑडियो को आपस में मर्ज करके और अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके उन सारे क्वेश्चन के आंसर पूरे सबूत के साथ दे दिए हैं जो अभी तक इस कंटेंट को लेकर आपके मन में थे, लेकिन अभी भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा, जिनका यूज करके आप अपनी वीडियोस को जल्दी वायरल कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस आप भी अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो और अपने चैनल को जल्दी ग्रो कर सकते हो। बस आपको ये सब कैसे करना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको उस चाइनीज ऐप से वीडियो को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको उसे किस तरह से एडिट करना है। तो चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। इन दोनों एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम है सिक्योर वीपीएन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, इसे आपको यहां से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप वीपीएन को कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपका दूसरा एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, ना ही आपके दूसरे एप्लीकेशन में कोई वीडियो आएगा और ना ही आप कोई वीडियो डाउनलोड कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। तो वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद में अब हम चलते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम है क्वाइसू। इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसमें आपको कोई भी लॉगिन और साइनअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनका यूज ये बड़े यूट्यूबर अपने चैनल पे कर रहे हैं, बस आपको यहाँ पे इसी तरह से स्क्रॉल करते जाना है। और ये वीडियोस कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर कोई इन वीडियोस को देखना शुरू करता है तो पूरी वीडियो देखे बिना वो वीडियो को नहीं छोड़ता है, इसी वजह से ये वीडियोस जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस को प्ले करके दिखा देता हूँ। बस यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने वीपीएन को कनेक्ट करके रखना है, नहीं तो आप इस एप्लीकेशन का सही से यूज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको फीचर का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से वीडियोस दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको यहाँ से जो भी वीडियो पसंद हो आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो सारे ट्रेंडिंग वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको यहाँ से अपनी वीडियोस को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल, आपको यहाँ से जो भी वीडियो पसंद हो आपको उस पे क्लिक करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका वीपीएन कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं और बाद में वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलेंगे कि सर वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है। अब जैसे मुझे ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है और मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे शेयर का एक आइकन शो हो रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड का आइकन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करके अपने वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो ये वीडियो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर किसी कारण आपके मोबाइल में ये डाउनलोड का आइकन नहीं शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको घबराना नहीं है। यहीं पे आपको कॉपी लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेना है। फिर इसके बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है KW वीडियो डाउनलोडर। अब आपके सामने ये वाली ऐप आ जाएगी,
जाएगी, आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। वीडियो डाउनलोडर की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल आपको यहाँ पे अपने वीडियो के लिंक को पेस्ट कर देना है, फिर इस गेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपकी वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि सभी एप्लीकेशन की मैंने दो दो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, जिनसे आपको इन्हें यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके मोबाइल में एक लिंक काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे आप दूसरी लिंक का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने वीडियो तो डाउनलोड कर ली है, लेकिन उसे एडिट कैसे करना है चलिए ये भी जान लेते हैं, जिससे आपका वीडियो भी जल्दी वायरल हो जाए। तो एडिटिंग करने के लिए आप किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंसॉर्ट एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, इसे आपको यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। इंसॉर्ट एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको इस वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको इसे यहाँ से अलाउ कर देना है। अब यहाँ से आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है, जिसे अभी हमने डाउनलोड किया था। वीडियो ओपन करने के बाद में आपको इस कैनवास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर इस सही वाले आइकन पे क्लिक करके इसे ओके कर देना है। अब दूसरा आपको क्या काम करना है, आपको इसकी ओरिजिनल वॉइस को बंद कर देना है। तो इसकी आवाज को बंद करने के लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको इसकी वॉल्यूम को 0 कर देना है, फिर इस सही वाले आइकन पे क्लिक करके इसे ओके कर देना है। अब इतना करने के बाद में आपको आगे क्या करना है, अब सिंपल आपको इस वीडियो में वॉइस ओवर करनी है। वो कैसे करनी है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे वॉइस ओवर करने के लिए आपको म्यूजिक का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करके इसे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी वीडियो के हिसाब से वॉइस ओवर कर देना है, कुछ इस तरह से। जल्दी थार गाड़ी बना देता हूँ। अरे राजू, अगर तू इस थार गाड़ी को इंडियन आर्मी टैंक बना दे तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। सबसे पहले इस लकड़ी को आरी से काट लेता हूँ और अब इसे रंदे से छील भी लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपको अपनी वीडियो में वॉइस ओवर कर देना है। अब इतना करने के बाद में आपको इसमें दो काम और करने हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें फनी साउंड लगाने हैं, जैसे हंसने का, रोने का, वाओ का, इस तरह के साउंड इफेक्ट्स आपको इंसॉर्ट ऐप में ही मिल जाएंगे। इसके लिए सिंपल आपको इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इफेक्ट्स का एक ऑप्शन हो रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको वो सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको आपकी वीडियोस के लिए चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पे वोकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे साउंड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे हंसने, रोने और वाओ वाले इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ से जिस साउंड इफेक्ट्स को लगाना हो आप उसे यहाँ से अपने वीडियो में लगा सकते हो। साउंड इफेक्ट्स लगाने के बाद में अब सिर्फ आपको एक काम और करना है। अब यहाँ पे बस आपको एक कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। तो इसके लिए आपको कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ पे मिलेंगे चलिए वो भी जान लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको यूट्यूब लाइब्रेरी पे आना है और यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद हो आपको उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको इंस्टॉल ऐप पे आना है और यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल की गैलरी से उस बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है जिसे अभी आपने डाउनलोड किया था। तो इस तरह से आपको अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को लगा लेना है। सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद में आपको इसे अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कैसे करना है चलिए वो भी जान लेते हैं। अब इसे सेव करने के लिए आपको इस सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है, जिससे आपकी वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आप इसे अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हो। अब अगर आप अपने वीडियोस को जल्दी वायरल करना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। इन्हें आपको ध्यान से समझना है, ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। सबसे पहला, हमें एक दिन में कितने शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका चैनल नया है तो आपको एक दिन में 3 शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने चाहिए। दूसरा, क्या शॉर्ट वीडियोस को वायरल करने में अपलोड टाइमिंग मैटर करती है? तो मेरा जवाब है हाँ, शॉर्ट वीडियोस को वायरल करने में अपलोड टाइमिंग मैटर करती है। तीसरा, तो शॉर्ट वीडियोस के लिए अपलोड टाइमिंग क्या होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक दिन में 3 वीडियो अपलोड करते हो तो आपको एक वीडियो सुबह 7 से 8 के बीच में अपलोड करनी चाहिए और दूसरी वीडियो आपको दोपहर के 12 से 1 के बीच में अपलोड करनी चाहिए। वहीं तीसरी वीडियो आपको शाम को 5 से 6 के बीच में अपलोड करनी चाहिए। अब लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट, नए शॉर्ट्स क्रिएटर ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे उनके चैनल पे काफी सारी वीडियो अपलोड करने के बाद भी उनके चैनल ग्रो नहीं होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हो कि जो भी बड़े यूट्यूबर है आप लोग उनकी वीडियोस की सेम टू सेम कॉपी करने लगते हो, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। तो अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? इसके लिए आप अपनी कैटेगरी के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देख सकते हो। आपको उनकी वीडियो को कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आपको उनके चैनल पे ये देखना है कि वो इस समय किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, इससे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रख के अपनी वीडियोस को क्रिएट करते हो तो आप देखेंगे कि आपकी वीडियो भी बहुत जल्दी वायरल होने लगेंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।